एमएसएमई विभाग के लिए भी बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। ये सब नया उद्योग नीति लॉन्च होने पर सब पता चलेगा। और मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए, ये सम्मेलन निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और लघु उद्योग भारती के तरफ से एक मांग पत्र आया है जिसमें 10 बिंदुओं पर मांग है। इस पर निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंता करेगी। और ये सही बात है कि भारत सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तभी एमएसएमई मिनिस्ट्री उद्योग मंत्रालय से अलग हो गया था। और मैं भी मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि यहां भी विचार कर लेंगे और जरूर एमएसएमई मिनिस्ट्री यहां पर भी अलग बनाएंगे। और भूमि की भी मांग हुई है कार्यालय के लिए, नया रायपुर में जरूर कार्यालय के लिए भी भूमि उपलब्ध कराएंगे। और बाकी जो भी इनकी मांग है वो सब पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। और अंत में फिर से यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के भी उद्यमी और हमारे लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी आए हैं और छत्तीसगढ़ के हमारे लघु उद्योग भारती के जितने भी पदाधिकारी हैं, उद्यमी बंधुगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको फिर से एक बार बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए और इस कार्यक्रम में बुलाए इसके लिए लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भूमि आवंटन का आश्वासन देने के लिए, पृथक एमएसएमई बनाने के लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।